कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करे हैं। प्रियंका गांधी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, महंगाई की बोझ तले दबे हैं मजदूर किसान, केवल मोदी मित्र हो रहे हैं धनवान। आपको बता दें कि प्रियंका ने यह ट्वीट भाजपा सरकार के एनपीके खाद पर 275 और एनपी पर 70 रुपए बढ़ाने के विरोध में किया है। इसके साथ ही दूसरे ट्वीट में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के हवाई चप्पल वाले बयान के ऊपर व्यंग करते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में सफर करने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि अब हवाई चप्पल वालों और मध्यम वर्ग का सड़क पर सफर करना भी मुश्किल है। इसके अलावा प्रियंका ने एक अखबार की फोटो भी शेयर करी है, जिसकी हेडलाइन में लिखा है, विमान ईंधन से 30% महंगा हुआ पेट्रोल। भारत में फिलहाल बस दो ही चीज़ों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, महंगाई और बेरोजगारी। बावजूद इसके मोदी सरकार का दोनों पर ही कोई नियंत्रण नहीं दिख रहा है। देश में पेट्रोल और डीजल शतक मार चुके हैं। कोविड की वजह से पहले ही देश के नागरिक परेशानियों का सामना कर रहे थे। इन सभी परेशानियों के बीच रोज तेजी से बढ़ती महंगाई का तोहफा मोदी सरकार अपने नागरिकों को दे रही है। महंगाई के ऊपर अगर कोई सवाल पूछता है तो अजीबोगरीब तर्क दिए जाते हैं, कभी कोविड का बहाना, कभी फ्री वैक्सीन का। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर, सरसों का तेल, फल, सब्जी, इन सबकी तेजी से बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन सरकार को इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। सरकार को बस चुनावों की चिंता है, उन्हें चिंता है अपने प्रचार की। कितने सिलेंडर सरकार ने फ्री बांटे, इसका तो सरकार खूब प्रचार करती है, लेकिन कितने लोग अपना सिलेंडर रिफिल नहीं करा पाए, इस पर सरकार ने कभी कोई बात नहीं की। निर्मला सीतारमण प्याज नहीं खाती, इसलिए शायद उन्हें सब्जियों की महंगाई का नहीं पता, लेकिन वो गाड़ी में तो सफर करती हैं। अब कहीं वित्त मंत्री सीतारमण यह ना बोल दे कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल तो उनका ड्राइवर भरवाता है, इसलिए उन्हें पेट्रोल के बढ़ते दामों का नहीं पता। आईटीपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।